नाउ क्लास थर्ड वी डू बुक एक्टिविटी ऑन पेज नंबर 13 वर्ड पावर में देखें आपको नज़र आएगा ए मेक मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो मतलब जो वर्ड हमें दिए गए इनके हमने जुमले बनाने डाउन द स्टेयर्स सीढ़ियों के नीचे शी ऑलवेज रन्स डाउन द स्टेयर्स वो हमेशा क्या करती है सीढ़ियों के नीचे भागती है शाउट फॉर हेल्प मदद के लिए पुकारना या चिल्लाना ही शाउट फॉर हेल्प उसने मदद के लिए पुकारा या चिल्लाया व्हेन ही स्लिप जब वो स्लिप हो गया प्लेस टू प्ले खेलने की जगह नियर माई हाउस अ प्लेस टू प्ले स्पोक टूगेदर वी स्पोक टूगेदर अबाउट करंट अफेयर्स सही है मतलब हालात हाजरा के बारे में हमने एक साथ मिलकर बात की अच्छा बेटा इसके बाद इसी का सी पार्ट ये भी आपने कॉपी में सॉल्व करना है सन को किससे मैच कर देंगे फ्लावर नोट बुक बटर फ्लाई रेनफॉल वॉश बेसन ठीक है अच्छा इसके बाद ए ग्रामर टाइम फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स ब्रैकेट में जो हमारे पास वर्ड्स हैं इससे हमने ब्लैंक्स फिल करनी है माई फ्रेंड्स आर कमिंग आफ्टर वन आर देखें मीनिंग दोनों के वर्ड दोनों जो इसकी प्रोनंसिएशन है सेम है लेकिन मीनिंग अलग है आर मीन है होता है और इस आर मीन घंटा होता है आई हैव बाउट फोर चॉकलेट्स फोर माई सिस्टर ठीक है इस फोर के मीनिंग अलग हैं इस फोर के मीनिंग अलग हैं ये देखिए बेटा दिस इज द राइट राइट मीन ये सही वाला राइट है और ये लिखने वाला राइट है दिस इज़ द राइट वे टू राइट योर आंसर द कैंगरू हैज़ टू शॉर्ट लेग एंड टू लॉन्ग वंस फिर टू ये टू मीन भी और ये टू मीन दो ठीक है देखें क्योंकि टू मीन दो और इस टू मीन होते हैं भी यानी कैंगरू की दो छोटी टांगें होती हैं और दो बड़ी भी होती हैं सही है अच्छा बेटा यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया ठीक है इसको आपने बी केयरफुल होकर और नीट एंड क्लीन वर्क करना है और फिर जब मैं आपको डायरी में डेट शो करूँगी तो उस डेट को आके लाजमी साहब अपना वर्क चेक करवाएंगे ओके अल्लाह हाफ़िज़